स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि इस वीडियो में शीर्षक है कि गुरु गोरखनाथ हठ योगी और महाज्ञानी कबीर का एक संवाद है। एक बार जब ये दोनों लोगों की संगोष्ठी हुई, मिलन हुआ, विचार विमर्श तभी स्टार्ट होता है और गुरु गोरखनाथ रूहानी विद्या के बारे में प्रश्न करते हैं महाज्ञानी कबीर जी से, और उसका उत्तर देते हैं कबीर जी। हठयोगी गोरखनाथ पूछते हैं कि शरीर में सार क्या है, इस शरीर में सार क्या है, एसेंस क्या है। तो कबीर जी कहते हैं कि इस शरीर में जो सार है वो श्वास है। तो वो हठयोगी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ, कैसे श्वास सार हो सकता है? तो कबीर ने कहा कि श्वास ही वह डोर है जिससे चेतना बंधी हुई है, आत्मा बंधी हुई है, और श्वास के जब सांस चलना बंद हो जाता है कम्प्लीटली तो मृत हो जाती है, देह नष्ट हो जाती है। हठयोगी गोरखनाथ पूछते हैं कि आखिर ये श्वास आता कहाँ है, कहाँ से ये शरीर में आता है और कहाँ ये शरीर में समाता है? महाज्ञानी कबीर कहते हैं कि ये श्वास जो है शून्य से उत्पन्न होता है और नाभिक बिंदु पर ये विसर्जित होता है। शून्य से, शून्य ही इसका उद्गम है और नाभिक ही इसका एक विलय है, विसर्जन है। महाहठयोगी गोरखनाथ जी कहते हैं, लेकिन इस श्वास को नियंत्रित कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इस पर महाज्ञानी, तत्वज्ञानी सदगुरु कबीर साहिब फरमाते हैं, कहते हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर व अधर विच ध्यान लावे, कहें कबीर वो साधु निर्भय हुआ, जन्म मरण का भ्रम भाने। कह रहे कि जो सुरति का दंड है, जो सुरति का डंडा है, डंडा का अर्थ यहाँ पर अनुशासन से है, सुरत के दंड से घेर मन पवन को, जो सुरति का जो दंड है उससे तुम्हें अपने मन को भी घेरना है, कंट्रोल करना है और पवन को भी बस में करना है। पवन मानिए जो श्वासा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा ये सुरति क्या है। सु प्लस रति, सु माने यहाँ पर सुंदर है, होते हैं ये एक उपसर्ग है, और रति माने होता है प्रेम, एक सुंदर प्रेम के साथ प्रेम पूर्ण होकर के मन को और वायु को कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा अर्थ है सुरति का। स्व माने स्वयं का होता है, लेकिन यहाँ पर सु कर दिया है इन कवियों ने, कहीं कहीं पर स्व को सु कर दिया है, उपसर्ग में बदल दिया है, अपभ्रंशात्मक कर दिया है, लौकिक बना दिया है, अपनी भाषा में बोला है। तो स्वरति, स्व माने होती है स्वयं से, रति माने होता है अनुराग या अटैचमेंट, अर्थात जो आत्मा से अपने अनुराग रखता है, और ऐसा जो अनुराग है स्वयं के प्रति अनुराग कि आखिर मैं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ, मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं है, हमारे बाप मर गए, दादे खत्म हो गए, बाबा परदादा खत्म हो गए, कितने लोगों हमारे सामने मरते जा रहे हैं और हम भी एक दिन मरेंगे। मरना मतलब यहाँ से
शारीरिक दृष्टि से शरीर छूट जाएगा, फिर पता नहीं हमारी क्या गति होगी। तो सवाल बहुत है, प्रश्न बहुत है, लेकिन उनका हल हम अब तक नहीं पा सके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु गोरखनाथ को यही उत्तर दे रहे हैं महाज्ञानी कबीर। कबीर महान ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे। हठ योग तो थोड़ा नीचे की चीज रह जाती है, लेकिन उसके बाद में तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। तो गुरु गोरखनाथ जी पूछ रहे हैं कि कैसे बस में किया जाए इसको, ये दिखाई भी नहीं देता है। सोसा महसूस होता है, इसकी उपस्थिति दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता है। तो कैसे नियंत्रण करें? तो कह रहे हैं सुरत के दंड को घेर मन पवन को, अपनी स्मृति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आत्मप्रति के द्वारा, जिसे आत्मा से अनुराग होगा निश्चित रूप से वो अपने प्राणों पे, अपने मन पे नियंत्रण ही प्राप्त नहीं होगा, फिर तो इनके बाहर चला जाएगा। होता क्या है, जब योगाभ्यास किया जाता है, हठ योग किया जाता है, तो सुषुम्ना में जमा हुआ जो कफ है, मल है, वो क्षीण हो जाता है, पिघल जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पर श्वास अर्थात प्राण वायु केंद्रित होने लगती है, जमा वाड़ा होने लगता है। और फिर आगे के जो प्रयोग और अनुभव है वो साधन जन्य है। यहाँ पर इस पे बैठ करके भाषणबाजी दे करके गुरुओं की अवज्ञा नहीं की जा सकती है, अन्यथा वो अनुभव किसी के भी बंद हो सकते हैं। अध्यात्म कोई तमाशा नहीं है, अध्यात्म तो स्वयं का जीवन आनंद है, जीवन रहस्य है। और यह रहस्य गुरु शिष्य के बीच में ही खोलना चाहिए या खोला जाता है, ये मैं बार बार सावधानी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जब सुषुम्ना में ये सब चालू हो जाए खेल, इसी को मैं कहता हूँ एक मज़ेदार खेल, तुम्हारी ईटा और पिंगला में जब तक श्वास चल रही है तब तक आप बहिर्मुख रहेगी आपकी चित्तवृत्ति, और जैसे ही सुषुम्ना चालित होते है, गति होती है वहाँ पर प्राण के, श्वास के, तो निश्चित रूप से एक मज़ेदार अलौकिक आनंदपूर्ण खेल शुरू होता है, जो विभिन्न अनुभव के माध्यम से तुम्हें प्रतीत होता है। और ये अनुभव तब तक आपको प्राप्त होंगे जब तक कि दृष्टा बना रहेगा, साक्षी बना रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, गुरु गोरखनाथ और कबीर जी की जो अमोघ और गुप्त वाणी है, ताकि जो साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनमें एक जागरूकता पैदा हो। ओम शांति, ओम क्रांति।